गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस प्रोजेक्ट अपडेट वीडियो के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कपस्या चौक से जेल चौक तक बने NH-31 पे बनाया जा रहा है 4 लेन एलिवेटेड ओवरब्रिज। लगभग 371 करोड़ की लागत से बनेगा ये 4 लेन एलिवेटेड ओवरब्रिज, और इस ब्रिज को बनवा रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों बेगूसराय एक इंडस्ट्रियल सिटी है, एक तरफ जहां आपको इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी का प्लांट देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको मिलता है फर्टिलाइजर प्लांट और पावर स्टेशन। और भी काफ़ी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बट ये तीन इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पे हैवी व्हीकल्स को यूज़ करती हैं। इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है नेशनल हाईवे नंबर 31 पे, रिजल्ट होता है ट्रैफिक जैम। इंडस्ट्रीज होने की वजह से आप जानते हैं हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है इस लोकेशन में, और क्योंकि नेशनल हाईवे नंबर 31 बेगूसराय टाउन के बीचों बीच होकर गुजरता है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एरिया में उसको बनाया जा रहा है ब्रिज, जिसका अपडेट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस ब्रिज का अपडेट हमने कुछ मंथ्स पहले भी आपको दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए। और जब आप दोनों वीडियोस को कंपेयर करेंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि नहीं, बिहार में भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। वेल, काम तेज़ी से होने का एक और रीज़न है, और रीज़न है क्योंकि जिस लोकेशन पर इस ब्रिज को बनाया जा रहा है ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, और अगर इस लोकेशन पर ब्रिज को बनने में ज़्यादा देरी हुई तो लोकल पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रही है दोस्तों ट्रांस रेल कंपनी। इस ब्रिज के बन जाने के बाद ऑलमोस्ट 10 साल तक ट्रांस रेल कंपनी इस ब्रिज का मेंटेनेंस भी करने वाली है। प्रोजेक्ट अपडेट की बात करें, आप देख ही सकते हैं पिलर्स का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी सारे पिलर्स बन गए हैं। बट जब पिछली बार हम 2-3 महीने पहले इस लोकेशन पर आए थे तब कुछ ही पिलर्स आपको देखने को मिलते थे, उसके आगे पिलर्स नहीं दिख रहे थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा पाइलिंग का भी काम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पिलर्स में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। ओवरऑल पिछले 3 महीने में जितना काम हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब पर्सनली मेरे लिए वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिहार में इतनी तेज़ी से काम हो सकता है। यहाँ से दोस्तों थोड़ी ही दूरी पर बन रहा है गंगा नदी पर 6 लेन एलिवेटेड ब्रिज। फ्यूचर में इस ब्रिज को 6 लेन एलिवेटेड ब्रिज के साथ जोड़ने की बात कही जा रही है। वैसे ब्रिज कैसे कनेक्ट होगा न्यू गंगा ब्रिज के साथ, ये हम आपको किसी और वीडियो में डेफिनेटली दिखाएंगे। हमने न्यू गंगा ब्रिज के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट अपडेट वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस प्रोजेक्ट का भी अपडेट आप चेकआउट कर सकते हैं। अब गंगा नदी पर एक तरफ है 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज, वहीं दूसरी तरफ एक रेलवे का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका भी हमने प्रोजेक्ट अपडेट बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रोजेक्ट अपडेट का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बाय बाय।